I welcome you all to this prestigious platform of Indologus. आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया तो देखिए आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे अबाउट द मोस्ट फेमस ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया आफ्टर दैट हम कुछ इंपॉर्टेंट एम का डिस्कशन करेंगे तो ये हमारी पार्ट वन वीडियो है इसके बाद हम पार्ट टू वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट दिस तो देखते हैं सबसे पहले इंडिगो रिवॉल्व के बारे में तो देखिए इंडिगो रिवॉल्व का जो ड्यूरेशन है वो 1859 से लेकर 1860 है अगर हम बात करें मेन कॉज की इंडिगो रिवॉल्व की तो देखिए जो ब्रिटिश पीपल थे दे वर फोर्सिंग द इंडियंस टू ग्रो इंडिगो इंडिगो को हम हिंदी में कहते हैं नील तो देखिए नील की खेती करने के लिए जो ब्रिटिश पीपल थे दे वर फोर्सिंग द इंडियन पीपल टू ग्रो दैट बट इंडियन फार्मर्स वर नॉट विलिंग टू ग्रो इट बिकॉज आफ्टर द कल्टिवेशन ऑफ द इंडिगो द सॉइल डज नॉट बिकम द फॉर्टाइल एज इट यूज टू बी अर्लियर तो देखिए अगर हम इंडिगो को एक बार सॉयल uh, में ग्रो कर देते थे तो so, देखिए जो उसकी फर्टिलिटी होती थी द सॉइल यूज टू लूज इट्स फर्टिलिटी तो देखिए इंडिगो वॉज रिकोगनाइज एज अ चीफ कैश क्रॉप फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनीज इन्वेस्टमेंट तो देखिए बट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए एक चीफ कैश क्रॉप थी एंड देखिए जो ये इंडिगो था ये मेनली जो डाइज होती थी कलर डाइज के लिए यूज़ किया जाता था एंड ब्रिटेन तो देखिए इंडिया से इसे एक्सपोर्ट किया जाता था उसके बाद जो ये इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था इसको हम नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं दैट इट इज़ नोन एज नील विद्रोह ऑल द कैटेगरीज ऑफ द रूरल पॉपुलेशन मिशनरीज द बैंगल इंटेलिजेंसिया एंड मुस्लिम्स वर अगेंस्ट दिस रिवॉल्ट and uh, this indigo revolt gave birth to a political movement and stimulated national sentiment against the british rulers among indian masses as the british uh, people they were exploiting indians to so, gave indians of national sentiment because they were just oppressed and सप्रेस एंड एक्सप्लोटेटेड बाई द कॉमन पीपल एंड देर ब्रिटिशर्स तो देखिए ब्रिटिशर्स ही वो लोग थे जो इंडियंस को सप्रेस कर रहे थे इतनी ज़्यादा आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी इनगो मूमेंट में मे लिए चंपारण बिहार से के आस पास के एरिया से स्टार्ट हुआ था यह भी आपने याद रखना है एंड इट जस्ट इग्नाइटेड अ सॉर्ट ऑफ नेशनल सेंटीमेंट इन इंडिया उसके बाद हम बात करेंगे कोल रेबेलियन की जो एटीन हंड्रेड थर्टी टू में हुआ था द कोल्स एंड द चीज बट द ब्रिटिश एंट्री थ्रिट इंडिपेंडेंस तो देखिए बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश और बिफोर द ब्रिटिश स्टार्ट सब्जुगेटिंग इंडियन ट्राइब्स तो देखिए उससे पहले जो ट्राइबल पीपल हुआ करते थे दे यूज टू इंजॉय देर इंडिपेंडेंस तो इंडि देखिए तो दे अपनी आजादी को वो एंजॉय करते थे अपने जो चीज होते थे या रूलर्स होते थे उनके अंडर लेकिन ब्रिटिशर्स से आने के बाद उनकी जो आज़ादी थी उनका जो कल्चर था उसको खतरा था देंड ओवर ऑफ़ द ट्राइबल लैंड एंड द इनक्रोचमेंट ऑफ द मनी लैंडर्स मर्चेंट्स एंड द ब्रिटिश लॉज अ लॉट ऑफ प्रेशर तो देखिए जो ब्रिटिश लॉज थे एंड ब्रिटिश जो रूल्स थे दे वर्स सो एक्सप्लोर फॉर द ट्राइबल पीपल मेनली फॉर देयर कल्चर उनकी जो आइडेंटिटी थी और उनका जो कल्चर था दे वॉज काइंड ऑफ सप्रेशन वॉज सीन इन दैट तो देखिए ड्यू टू दैट A kind of pressure ignited among the tribal people. The coal tribal planned an uh, inso insurgency in 1831 to 32, which was engaged primarily against government officers and private money lenders. तो देखिए जो coal tribal people थे इन लोगों ने क्या plan किया एक insurgency plan की in 1831 और 32 में, जहाँ पर ये लोग primarily किसके against थे The government officers और private money lenders के खिलाफ एक kind शरीयत्र आप कह सकते हैं वो रचा coal rebellion को हम इसको कहेंगे को कहेंगे कोल रिबेलियन में तो मेनली जो ये रिबेलियन था ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स और प्राइवेट मनी लैंडर्स के अगेंस्ट था और मेनली हम कह सकते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट था उसके बाद हम बात करेंगे संथल रिबेलियन रिबेलियन की जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है झारखंड में हुआ था एटीन में ये रिवॉल्ट हुआ था इट वॉज रिबेलियन इन प्रेजेंट एड झारखंड अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड जमींदारी सिस्टम बाय द संथाल पीपल इट वॉज प्लैंड बाय फोर तो देखिए किस किसने प्लान किया था मुर्मू ब्रदर्स ने किया था सिद्धू एंड कहानू मुर्मू तो देखिए मेरे ये टू लीडर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये या आपने याद रखना है उसके बाद चांद एंड भैरव इट वॉज मेनली प्लैंड बाई दीज फोर पीपल द रेबेलियन वॉज सप्रेस थॉरली एंड लार्जली शेयडोट बाई दैट द अदर रिबेलियंस तो देखिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ था ये रिबेलियन और मेनली एक इसके अगेंस्ट था कोलोनियल जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट और जो जमींदारी सिस्टम था इसके अगेंस्ट था जो संथाल पीपल यानी कि संथाल जो ट्राइब है इसके ऊपर लगाया जा रहा था लेकिन इस रिबेल को जो भी ये रेबेलियन हुआ था इसको बहुत जल्द ही सप्रेस कर दिया था ब्रिटिश पीपल ने तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर्स ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास तो देखिए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दो लीडर्स थे इंडिगो रिवॉल्व के ये आपने याद रखना है ये क्वेश्चन सी डी एस टू थाउजेंड सिक्स के एग्जाम में पूछा गया था ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर द की लीडर्स ऑफ द रिवॉल्व फर विश्वास दिगंबर एंड विष्णु विश्वास कादर मौला ऑफ पाबना तो देखिए मेनली टू लीडर्स का नाम इम्पॉर्टेंट है अदर देन दैट मैंने आपको बताया कि इसमें और जो लीडर्स हैं वो कादिर मौला ऑफ पबना एंड रफीक मोहनदाल ऑफ मैदा एटसेट्रा तो ये कुछ लीडर्स हैं ऑफ़ इंडिगो रिवॉल्ट द इंडिगो रिवॉल्ट बिगेन एज द पीजेंट स्टॉप पेइंग रेंट देखिए पीजेंस ने जो रेंट वो पे करते थे वो देना भी स्टॉप कर दिया इन मार्च 1859, फिफ्टी नाइन द वर्ल्ड के मोर ऑर्गेनाइज वन थाउजेंड्स ऑफ रेयॉर्ड्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो देखिए इंडिगो ग्रो करने के खिलाफ थे जो रेयॉर्ड्स थे देयरफॉर जो ये इंडिगो मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था एटीन में तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तो देखिए यहाँ पर हम हाँ पेरस की बात कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा देभागा मूवमेंट जो लखनऊ में हुआ था ये हमसे कह रहा है और इट इज़ रॉन्ग क्योंकि ये बंगाल में हुआ था इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह है जो गुजरात में हुआ था उसके बाद ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इट वॉज फॉर्मड इन लखनऊ एंड जो एक मूवमेंट था ये एक मदारी पासी इट इज एसोसिएटेड विथ मदारी पासी तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तेभागा मूवमेंट की तेभागा मूवमेंट वॉज लेड बाय द शेयर क्रॉपर्स ऑफ बंगाल रीजन अगेंस्ट द ऑपरेसिव जोते दास अगेंस्ट द ऑपरेसिव जोते दार्स इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड फोटी सेवन द अपराइजिंग वॉज ड्यू टू द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम दिन बंगाल तो देखिए मेरी जो अपराइजिंग थी वो किसकी वजह से थी तो देखिये शेयर क्रॉपिंग होती थी बेंगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था बंगाल में जिसके वजह से यह तेबा का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसका जो टाइम पीरियड है वो नाइनटीन फोर्टी सिक्स से फोटी सेवन के बीच में है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद द संथाल रेबेलियन ऑफ एटीन फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सेवन तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमने अभी डिस्कस किया था डिस्क्रिप्शन में तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर यानी कि सिद्धू एंड कान्हू मैंने आपको नाम भी बताया था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखिये संथाल रेबेलियन ये झारखंड में हुआ था वॉज अ प्रेजेंट इट झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया में हम कह सकते हैं इस एरियाज में हुआ था अगेंस्ट बोध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदारी सिस्टम बायरा संथाल तो संथाल के द्वारा ये जो रिवॉल्ट था ये हुआ था अगेंस्ट द मिनारी सिस्टम एंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ऑथोरिडियन पॉलिसीज के खिलाफ था नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपराइज़िंग और रिबेलियन इज नोन एज द उलगुलन न रेबेल या फिर हम कह सकते हैं ग्रेट कॉमोशन तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडा अपराइजिंग या फिर मुंडा रेबेलियन आप सभी मुंड बिरसा मुंडा को तो जानते ही होंगे ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइबल पीपल ऑफ़ द पास्ट जिनका नाम बहुत बार हमने हिस्ट्री की वीडियोस में सुना होगा या फिर हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा तो देखिए हमसे पूछा गया है कि कौन सा रबेल को हम उलोगन जो रिवॉल्ट है या उलोगुलन रिबेल है इसके नाम नाम से जानते हैं तो मुंडा रेबेलियन रे को हम इसके नाम से जानते हैं तो मुंडा अपराइजिंग ये 1899 से 1900, 1900 में हुई थी इट छोटा नागपुर रीजन नियर रांची अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा तो देखिए बिरसा मुंडा के लीडरशिप में ये मुंडा रेबेलियन हुआ था दिस रिवॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज उच मीन दैट ग्रेट तो ग्रेट कॉमोशियन उलूगुलन रिवॉल्ट का मतलब है Next question Who wrote the famous drama Neil Darpan which depicted the agony of the indigo cultivators and the brutality of the planters? So mainly Joybukti it just used to depict about or it just used to tell us. अबाउट द कंडीशन ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स और जो ब्रुटेलिटी जो ब्रिटिशर्स करते थे इंडिगो प्लांटर्स के ऊपर तो देखिए इस फेमस बुक को किसने लिखा है तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दीन बंधु मित्र तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर सीडीएस एग्जाम टू थाउजेंड सेवन में क्वेश्चन पूछा गया था तो दीन बंधु मित्रा ने इस बुक को लिखा है नील दर्पण तो देखिए दीन बंधु मित्रा द फेमस राइटर दीन बंधु मित्रा वॉज राइटिंग द प्ले नील दर्पण एटीन सिक्सटी में इन्होंने ये जो बुक है इसको लिखा था मित्रास प्ले नील दर्पण तो ये सिंपली एक काइंड की बुक है और हम कह सकते हैं एक प्ले है वॉज अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडिगो फार्मर इट वॉज मेनली अबाउट द पुअर कंडीशन और द मिजरीज फेस्ड बाई द इंडिगो प्लांटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यहाँ पे होगा यूनियन यू कैन एड यू यूनियन कांग्रेस ए आई टी यू सी फॉर्म्ड इन बॉम्बे तो देखिए क्वेश्चन सी डी एस टू थाउजेंड नाइन एज वेल एज फोर्टी सेवंथ पी पी एस सी एग्जाम ऑफ टू थाउजेंड फाइव में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी में ए आई टी यू सी इसका फॉर्मेशन हुआ था तो इसका फॉर्मेशन लाला लाजपत राय ने किया था यानी कि लाला लाजपत राय वर्स द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ ए आई सी टी यू सी ए आई टी सी यू सी का फुल फॉर्म भी आपने याद रखना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी में इसकी फॉर्मेशन हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा Uh, बिरसा मुंडा वॉज इन फेवर ऑफ तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंडा राज तो देखिए मुंडा राज तो ये अपना ही बिरसा मुंडा तो ये चाहते थे कि जो मुंडा राज है दैट शुड बी इस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर इंडिया ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर और जो छोटा नागपुर रीजन है उसके अराउंड एटलीस्ट जो मुंडा जो राज है दैट शुड बी प्रिवेल्ड सो है यू कैन सी बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा वॉज एन इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रिलीजियस लीडर एंड अ फोक हीरो हु बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब तो देखिए बिरसा मुंडा ही वॉज वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस ट्राइबल लीडर ये खुद को बिलीव करते थे एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु इसके अलावा जो बिरसा मुंडा थे ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वी कैन से जो फैन थे और फॉलोअरशिप थी इनकी ये करते थे फॉलो महात्मा गांधी को पर जहाँ पर इनका जो स्टेटमेंट था वो कॉन्ट्रोडिक्ट्री होता था वो था कि महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस वेरियस जो बिरसा मुंडा थे ही बिलीव्ड इन वायलेंस तो देखिये जो महात्मा गांधी थे वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और बिरसा मुंडा कहते थे कि दैट इज रॉन्ग तो देखिए ये वॉयलेंस पे बिलीव करते थे तो इनका जो जन्म हुआ था फिफ्टीन नवंबर एटीन हंड्रेड सेवेंटी फाइव को रांची में हुआ था और इनकी जो डेथ थी वो नाइन जून नाइनटीन हंड्रेड के आसपास बताते हैं तो इसके अराउंड इनकी डेथ हुई थी रांची सेंट्रल जेल में हुई थी और देखिए रांची सेंट्रल जेल में हुई थी और जो मूवमेंट था वो इंडियन इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के ख़िलाफ़ ये लड़ रहे थे बट बहुत सारे लोग जो इनकी डेथ की डेट है इसको कॉन्ट्राडिक्टी मानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाइनटीन के बाद ही बिरसा मुंडा को हैंग हैंग ओवर कर दिया था यानी कि फांसी पर सिंपली चढ़ा दिया था बट यहाँ पर बहुत सारी बुक्स में नाइनटीन हंड्रेड भी मैंशन किया है पर एग्ज़ाम्स में कभी आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कूका मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु राम सिंह ही ऑर्गेनाइज द कोका मूवमेंट यह आपने याद रखना है द कोका मूवमेंट इवाल्व फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री तो देखिए मेन आइडियोलॉजी थी कोका मूवमेंट की कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि खुद की डिग्निटी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और जो सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री इसको डिपेक्ट करता दे प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्टोरिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following tribal rebellion was made famous by Bankim Chandra Chatterjee through his novel Anand Mat? So, see, Anand Mat is one of the most famous novel. है जो 1875 के around लिखी थी 1870s में आप बोल सकते हैं. Bankim Chandra Chatterjee जी ने लिखी थी इस novel को 1870s से लिखना start किया था. तो इसके आसपास ही ये complete हो गई थी Anand Mat. और इसमें हमारा national anthem Janagana Man को भी mention किया था. तो देखिए Uh, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो इन्होंने जो सन्यासी रिबेलियन था इसके बारे में मेंशन किया था अपनी बुक आनंद मठ में तो ये आपने याद रखना है सन्यासी ट्राइबल रिबेलियन वाज मेड फेमस बाय बन चंद्र चटर्जी थ्रू हिज नॉवल आनंद मठ सो ही वाज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग दिस सन्यासी रिबेलियन फेमस थ्रू हिज बुक आनंद मठ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल मूवमेंट तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेभागा मूवमेंट तो तेभागा मूवमेंट ये एक ट्राइबल मूवमेंट नहीं था ये आपने याद रखना है उसके अलावा जो है चुआर्स मूवमेंट विल्स मूवमेंट एंड कोलीज मूवमेंट ये तीन के तीन ये ट्राइबल मूवमेंट थे द देबाघा मूवमेंट इन बेंगॉल वॉज लेड बाय शेयर क्रॉपर्स यानी कि बार गदार्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव लैंड लॉर्ड्स तो देखिए लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ था ये एंड इट वाज़ नॉट लेड बाय ट्राइब इट वाज़ जस्ट अन्ट विच वॉज लेड शेयर क्रॉपर्स नेक्स्ट क्वेश्चन मुंडास रोज रिवॉल्ट इन विच ईयर तो देखिए हमें यहाँ पे मुंडा रिवॉल्व के बारे में बताना है तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1899 में मुंडा रिवॉल्व स्टार्ट हुआ था या मुंडा रिबेलियन स्टार्ट हुआ था ये आपने याद रखना है मुंडा रिबेलियन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट नाइन्टीन सेंचुरी ट्राइबल रेबेलियंस इन द सब कॉन्टिनेंट बिरसा मुंडा लेड दूवमेंट इन द रीजन ऑफ साउथ ऑफ़ द राची इन नाइनटीन

2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर यानी कि लाला लाजपत राय ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ए आई टी यू सी ये आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर

हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द मुंडाज इन एटीन नाइनटी नाइन एंड नाइनटीन हंड्रेड तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये क्योंकि हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिरसा मुंडा तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर यहाँ पे होगा फोर्टी सेवंथ पी पी एस एग्जाम नॉट वन हंड्रेड फोर्टी सेवंथ बी पी एस एग्जाम ऑफ टू थाउजेंड फाइव में पूछा गया था पिसा मुंडा विल बी द राइट आंसर मुंडा रेबेलियन इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट नाइनटीन सेंचुरी ट्राइबल रेबेलियंस इन द सब कॉन्टिनें बिरसा मुंडा लेट द मूवमेंट इन द रीजन ऑफ साउथ रांची हंड्रेड तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रेबेलियन था कॉन्सेप्ट ई एम एस स्टार्ट हुआ था इट वॉज लेट बाई होम एंड पार्ट ऑफ दी इट वॉज फेमस फॉर एंड ऑल एट्सट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्रिटिश कमांडर वॉज रिफिटेड बाई संस इन एटीन फिफ्टी फाइव राइट right आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेजर बर्फ तो देखिए मेजर बर्फ वाज डिफीटेड बाय संथाल्स इन 1855 ये या आपने याद रखना है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर मेजर बर्फ वाज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855 अ स्मॉल कॉन्टिजेंट ऑफ द फोर्स एंड अ मेजर बर्फ वाज कॉल्ड टू सप्रेस द रिबल्स बट ही मेट ट्रमेंडस रेजिस्टेंस एंड वाज डिफीटेड एज एट पीर पनिती तो देखिए पीर पेनी में जो ये मेजर बर्फ थे ही वॉज डिफीडेड बाई द सन थाल्स इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव ये बी पी एस सी एग्जाम टू थाउजेंड फाइव में पूछा गया था तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रोसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वामी शाहजानंद तो देखिए स्वामी शाहजानंद ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर तो इन्होंने प्रिसाइड किया था फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा ये आपने याद रखना है ऑल इंडिया किसान सभा की फॉर्मेशन इलेवन अप्रैल नाइनटीन में हुई थी तो देखिए ये लखनऊ में हुई थी यूनाइटेड प्रोविंस में और इसकी एफिलिएशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थी इसके हेड क्वार्टर्स हैं अजो भवन इंद्रजीत गुप्ता मार्ग एट न्यू डेली में लोकेटेड हैं so with this we completed our this video i hope you liked the video and if you like the video please hit the like button and subscribe to the channel thank you so much for watching this video and for free pdf you can join our telegram channel of endologus you can find the link in the description box either in the description box or in the comment section so thank you so much for watching this video and keep choosing your dreams with that note I would like to end the session. Thank you so much and best of luck for your exams.